Good morning, students. In this video, we are going to start with chapter 3, that is fiber to fabric. Pehli and Buju won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहली एंड बुजू ने क्या किया, फर्स्ट प्राइज़ जीता. उनके स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन हुआ, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता. और अब वो क्या करना चाहते थे, वो उस प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स लेना चाहते थे. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. जब वो शॉप पे गए तो वो कंफ्यूज हो गए, इतने सारे क्लॉथ्स के इतने सारे मटेरियल्स थे कि वो देख के कंफ्यूज हो गए. तो शॉपकीपर ने फिर एक्सप्लेन किया कि जो कपड़े हैं उनमें से कुछ कपड़े कॉटन के हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक के थे. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर एंड शॉल्स. देयर वो मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. पहली एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. उन्हीं ने हर एक कपड़े को टच करके फील किया कि अलग अलग कपड़ा किस तरह का कपड़ा है. फैब्रिक को, हर एक फैब्रिक को टच करके देखा. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, curtains, table cloths, towels and duster were made from different kinds of fabric. उन्होंने हर अपने आस पास के जितने भी materials थे उन सबको देखा और उन्होंने observe किया कि जो सारे materials हैं ये अलग अलग types के fabric से मिलकर बने हुए हैं. Even their school bags and gunny bags were made from some kinds of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, or synthetic. Can you also identify some fabrics, variety in fabrics. Activity 1. Visit a nearby tailoring shop. Collect cuttings of fabrics left over after stitching. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अपने आसपास की जो भी टेलर की शॉप हो वहाँ पे जाना है, जो पीसेस कट करके जो कटिंग रखी रहती है उनको लेना है, जो कट करने के, सिलाई करने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद जो कुछ कपड़े बच जाते हैं फैब्रिक्स के वो आपको लेने हैं. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और उस हर एक पीस को टच करना है और फील करना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेल. आपको क्या करना है, हर एक फैब्रिक को नेम बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैब्रिक कैसा है, सिल्क है कि वूल का है कि सिंथेटिक है, और इसके लिए आप अपने टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? Figure 3.2 में देखिए, enlarged view of piece of fabrics में fabrics जो आपको दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि two threads हैं. वैसे ही कुछ पीस आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि two threads से कुछ combination किया गया है, combine करके इसको एक साथ जोड़ा ऐसा गया है. Select a piece of cotton fabric you label in activity 1. Now try to find loose thread or yarns at one of the edges and pull it out. If no loose, just like the figure 3.2, pulling a thread from a fabric. आपको क्या करना है, थ्रेड इससे निकालना है, इस फैब्रिक से थ्रेड को निकालना है. You can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. तो आपको क्या पता चलता है यहाँ से, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका फैब्रिक होता है वो यार्न से मिलकर बना होता है. मीन्स यार्न को अरेंज किया जाता है कुछ ऐसे कि आपका एक तरह का कपड़ा ऐसा आपको दिखता है, यार्न को अरेंज किया जाता है. What are these yarns made of? अब ये जो यार्न होते हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं जो आपके यार्न होते हैं. Fiber. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place the piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb
Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn is split up into this strands? जब आप एक धागा लेंगे किसी भी कॉटन पीस से फैब्रिक से, आप उसमें से एक यार्न निकाल लीजिए और उस यार्न को जब आप स्क्रैच करते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा धागे, आपको छोटे छोटे से धागे दिखने लगते हैं और स्प्लिट करने पर वो और ज़्यादा सही से दिखते हैं। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग similar when you try to thread a needle many a time the end of the thread is separated into few thin strand. कभी कभी आप सुई में धागा डालते हैं तो आप धागे में देखते हैं कि कई से स्ट्रैंड बाहर निकल आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से धागे अलग से निकलने लगते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। फिर उसको उन धागों को नीडल में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। ये जो यार्न्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो यार्न्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे से फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो आपके धागे होते हैं। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। थ्रेड्स जो हैं वो आपके फाइबर से मिलकर बने होते हैं और जो आपका फैब्रिक है वो यार्न से मिलकर बना होता है। तो यार्न से मिल जब यार्न बनता है तब आपका जाके फैब्रिक बनता है और ये जो यार्न है ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये छोटे छोटे से फाइबर से मिलकर बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, यार्न से मिलकर बने होते हैं और यार्न्स जो हैं वो आपके फाइबर से मिलकर बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये जो फाइबर्स है ये कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एस कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, जूट है या सिल्क है, ये प्लांट्स या प्लांट से मिलते हैं या तो फिर एनिमल्स से मिलते हैं। दिस आर कॉल्ड नेचुरल एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जैसे कॉटन है, कॉटन हमसे हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। जूट तो वूल एंड सिल्क फाइबर्स और ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जैसे वूल है या सिल्क फाइबर्स है ये हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। ये जो वूल है ये आपको बकरी से या भेड़ से इन सब से मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। वूल आपको गोट और शीप से तो मिलता ही मिलता है, साथ में रैबिट से, याक से और कैमल से भी मिल जाता है। और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं ये आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। जो फाइबर्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स से तो मिलकर बनते ही हैं, साथ ही साथ ये केमिकल सब्सटेंस से भी मिलकर बने होते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे सब्सटेंस जैसे कि ये सब्सटेंस हैं जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर नहीं बनते हैं, फाइबर्स जो हैं, तो ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं और जो प्लांट्स वगैरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनसे जो फाइबर्स मिलता है उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं और जो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड आर्किक। तो उसमें से सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। और नेचुरल फाइबर्स में आपका कॉटन है, सिल्क है, ये सब नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। सम प्लांट फाइबर्स, प्लांट्स फाइबर में कॉटन है सबसे पहले। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प, व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। जब कभी आप वो दिया में जो बाती बनती है उसको बनाते हैं तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आप कॉटन का यूज़ करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, पिलो वगैरह में भी आप कॉटन को फिल करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट
एंड लुक एट इट्स एजेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्टैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। वर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? और ये जो कॉटन वूल है ये कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन के प्लांट हैं ये ब्लैक सॉइल में लगाए जाते हैं और वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म रहता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। ये जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है इसे हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो एक लेमन के टाइप लेमन के इतना होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हैव यू एवर सीन कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। अगर आपने कभी कॉटन का फील्ड देखा होगा तो कॉटन का फील्ड एक तरह से इस तरह से लगता है जैसे कि स्नो बर्फ बिछी हुई हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड। और इन बॉल से कॉटन को हाथ से निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग। उसके बाद उसको कॉम करते हैं और सेपरेट करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। और ये जो गिनिंग का प्रोसेस होता है ये हाथ के थ्रू हो जाता है। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन अब जो है मशीनों का भी यूज़ गिनिंग के लिए किया जाने लगा है। पहले क्या होता था सिर्फ हाथ से इसका यूज़ किया, कॉम करके हाथ से ही हम गिनिंग का प्रोसेस करते थे। नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। और जो कॉटन है ये फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होती है? कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ ग्रो करी जाती है? वेस्ट बंगाल और बिहार एंड असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और इसको तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। जो स्टेम होती है, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर। इसको हम पानी में भिगो देते हैं कुछ दिनों के लिए और जब ये इसकी स्टेम जो है वो सड़ने लगती है तब इसके जो फाइबर्स होते हैं उनको हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है। द स्टेम रूट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड।